तो चलो इस ब्रेक टेस्ट का देखते हैं। 55 का स्पीड था, पावर लैग कर रहा है थोड़ा थोड़ा। इतना माइलेज गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय YouTube चैनल एपी मोटर ब्लॉग्स। सो गाइस आप लोग कैसे हो? ऊपर तो सब लोग बढ़िया हो और बढ़िया रहे ना मेरे तरह। सो गाइस इधर पे खड़ी हुई है न्यू बजाज पल्सर NS125 E20 OBD2 मॉडल। मैं पहले गाइस ऑलरेडी इस बाइक के ऊपर रिव्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूं, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग इस बाइक के ऊपर माइलेज टेस्ट वीडियो देखना चाहते हो कि न्यू बजाज पल्सर E20 फ्यूल इंजेक्टर के साथ आप लोग क्या माइलेज प्रोवाइड करता है। एंड मेरा जो माइलेज टेस्ट होने वाला है गाइस बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। आप लोग जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो ना माइलेज टेस्ट को, वैसा नहीं होने वाला है। मैं हर एक कंडीशन पर टेस्ट करने की कोशिश करूंगा इस बाइक को। सो अगर आप लोग पूरे वीडियो बने रहेंगे सो आप लोग पता चल जाएगा। एंड और एक बात, अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। मेरे व्यूअर्स को बहुत लोग हो डेली मेरा वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फ्री है गाइस, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो इससे गाइस मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा। सो मैं कुछ इस बाइक की जो चेंजेस हुआ है वो बता देता हूँ, फिर गाइस आप लोगों से मिलूंगा मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर। सो सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कर लो। तो गाइस न्यू बजाज पल्सर NS125 पे जो फर्स्ट बदला हुआ है वो गाइस आप लोग देख पा रहे हो इंजन के ऊपर। अभी आप लोगों को DTSI टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी इस वाले मॉडल पर नहीं है। नेक्स्ट जो बदलाव है वो गाइस हुआ है इधर पे फ्यूल इंजेक्टर का, मतलब पहले वाला मॉडल पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर देखने को मिलता था लेकिन न्यू मॉडल पे गाइस आप लोगों को FI के साथ देखने को मिलता है। एंड लेफ्ट साइड पे जो एक टी मिलता था ना जिससे गाइस आप लोग फ्यूल टैंक को रिजर्व एंड ऑन कर सकते थे, लेकिन वो अभी आप लोग देखने को नहीं मिला क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर हटा दिया है। फ्यूल पंप इश्यू वगैरह चेंज हो चुका है क्योंकि ये 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी आप लोग राइड कर पाओगे। इसके लिए यहाँ पे गाइस देख पा रहे हो E20 का ब्रांडिंग। नेक्स्ट गाइस इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे थोड़ा बहुत बदलाव आया है, मतलब अभी आप लोगों को डिस्टेंस टू MT DTE, मतलब बाइक में जितना पेट्रोल है उस हिसाब से कितना किलोमीटर चल पाएगा वो गाइस इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे शो करेगा। देन ट्रिप वन पे कितना माइलेज दे रहा है वो भी गाइस आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे शो करेगा। ट्रिप टू पे कितना माइलेज दे रहा है वो भी शो करेगा। देन मिलता है आप लोगों को DTE डिस्टेंस टू MT, ये सारा कुछ गाइस बदलाव हो चुका है। मैं डिटेल्स पे ऑलरेडी इस बाइक के ऊपर रिव्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपको नहीं देखे हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, जाके गाइस उधर पे चेक कर पाओगे। एंड और एक चीज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा प्यारा लगा कि इस वाले इंजन पे बहुत सारे ब्रांड जो है FI के लिए गाइस किक स्टार्ट को हटा दे रहा है लेकिन बजाज पल्सर NS125 E20 OBD2 फेस टू लिफ्ट होने के बाद भी गाइस आप लोगों को किक प्रोवाइड करते हैं। इससे फायदे की अगर किसी भी टाइम बैटरी डेड हो जाए ना उस टाइम पर राइडर को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। एंड कंपनी फिटेड गाइस आप लोगों को यहाँ पर डुअल स्टैंड भी देखने को मिलेगा विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। सो डुअल स्टैंड से यही फायदे है कि अगर किसी भी टाइम टायर पंचर हो जाए। एंड इस वाले मॉडल पे ना ओपन चेन सेटअप प्रोवाइड किया है, सो चेन को क्लीन एंड लूप करने के टाइम पे डुअल स्टैंड राइडर को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाएगा, मतलब सेफ्टी फीचर्स से। एंड आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ दो क्वेश्चन, एक है क्या माइलेज देता है, दूसरा है ऑन रोड प्राइस। सो पहले वाले मॉडल पे गाइस ऑन रोड इनको का प्राइस था 1,30,000 लेकिन अभी प्राइस पे थोड़ा ड्रॉप आया है, अभी आप लोगों को ऑन रोड पड़ जाएगा 1,22,745 rupees ऐसा कुछ होगा। सो गाइस इस मॉडल पे जितना सारा इंफॉर्मेशन बताना था एंड जो चेंजेस बताना था वो सारा डिटेल्स तो मैंने दे दिया, अगर और भी डिटेल्स पर आप लोग जानने चाहते हो तो गाइस आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा डिटेल्स रिव्यू का। सो चलो आप लोगों के साथ मैं डायरेक्ट मिलता हूँ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर, फिर गाइस माइलेज टेस्ट ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो बाइक देख रहे हो, बाइक जो है लोड से निकला है एंड किलोमीटर में दिखा दे रहा हूँ, मतलब ओडोमीटर इधर पे देखो, ओडोमीटर जो है वो गाइस पूरा 0 किलोमीटर है, 0। एंड बाइक में एकदम भी फ्यूल नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देख रहे हो बाइक में एकदम भी गाइस फ्यूल नहीं है। अभी हम लोग फ्यूल अप करेंगे, देन गाइस देखेंगे कितना किलोमीटर बाइक जो चलता है। सो इधर पे देख रहे हो मैंने ले लिया 100 ml पेट्रोल, अभी करेंगे गाइस इस पर फ्यूल अप। सो चलो फ्यूल अप करते। सो फ्यूल अप तो कर दिया, टैंक तो पूरा खाली था। सो देखते हैं बाइक अभी स्टार्ट होता है या नहीं। सो एक दो बार गाइस गियर स्विच को ऑन ऑफ कर लेते हैं क्योंकि FI मॉडल है, मतलब पता ही है कि ये जो मॉडल है गाइस फ्यूल इंजेक्टर के साथ चलता है, सो फ्यूल पंप पे पेट्रोल जाना ज़रूरी है। चलो स्लिप देते, देखते भाई स्टार्ट होता है या नहीं। नहीं स्टार्ट नहीं हुआ,
एकदम पेट्रोल नहीं है ना इसके लिए। सो दो तीन स्लिप देने के बाद जो बाइक स्टार्ट हो चुका है एंड मेरा माइलेज टेस्ट पे और एक डिफरेंट है। मैं जो टेस्ट करूँगा गाइस विथ पिलियन टेस्ट करने वाला हूँ एंड ऑडोमीटर तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। सो जो ऑडोमीटर होगा जीरो है एंड ट्रिप वन भी देख लो जीरो है। सो 100 में पेट्रोल फिल अप किया है। सो अभी देखते हैं बाइक कितना किलोमीटर चल पाता है। सो गाइस मैं कोशिश करूँगा इस बाइक को हर एक कंडीशन पर टेस्ट करने का, क्योंकि आप लोग अगर बाइक बाई करते हो सो रोड पे गलियों के अंदर विथ पिलियन सिंगल हर एक कंडीशन पर राइड करोगे। इसके लिए मैं गाइस कोशिश करूँगा कि हर एक कंडीशन पर टेस्ट करूँ, क्योंकि आप लोग जो YouTube पर वीडियोस देखते हो वैसे नहीं है, मैं थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ हर वक्त। सो इसके लिए पहले गाइस इस बाइक को चलाएंगे गलियों के अंदर, मतलब देख पा रहे हैं इधर पे टूटे फूटे रोड है। सो इधर पे ज़्यादा स्पीड अब मैं नहीं कर पाऊँगा, 20-25 ऐसे स्पीड पर राइड करूँगा। देन गाइस हाई स्पीड पर राइड करेंगे, रोड पे राइड करेंगे एंड विथ पिलियन से मैं टेस्ट करूँ। देख पा रहे हो पीछे जो बंदा बैठा हुआ है, विथ पिलियन से गाइस क्या होता है कि माइलेज में थोड़ा अंतर आता है क्योंकि वेट ज़्यादा है इसके लिए। सो विथ पिलियन जो माइलेज आएगा अगर आप लोग सिंगल बंदे इस बाइक को राइड करते हो, सो जाहिर सी बात है ज़्यादा माइलेज आप लोगों को मिलेगा। सो न्यू मॉडल पे ना गाइस FI कर दिया, इससे फ़ायदा ही गाइस आप लोगों को पावर में एकदम ही ड्रॉप लैग वगैरह फील नहीं आएगा। एंड अगर सिटिंग पोस्चर की बात करूँ ना, इस बाइक पे फुट पे जो थोड़ा पीछे की तरफ है इसके लिए मैं कह सकता हूँ 10% जो आपको सामने तरफ झुक के बैठना पड़ेगा। क्लिपर हैंडल है, हैंडल थोड़ा ब्रॉड है सो थोड़ा सा स्पोर्टी फील देता है इस सिटिंग पोस्चर की वजह से। एंड इस बाइक में गाइस रियर पे मोनोशॉक एंड फ्रंट पे गाइस आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए गाइस छोटे मोटे जो गड्ढे हैं उतना ज़्यादा आप लोगों को जार्क नहीं देगा, मतलब ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इधर पे हैंडल रेडियस चेक कर लेते हैं। तो देख लिया गाइस मैं एकदम ही छोटे से जगह से इजीली बाइक को जो है टर्न कर लिया, मतलब टैंक कवर होने के बाद भी गाइस आप लोगों को अच्छा खासा हैंडल रेडियस प्रोवाइड करता है, लेकिन 120cc के हिसाब से मुझे थोड़ा कम लगा इस हैंडल रेडियस, थोड़ा मुझे कम लगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूँ गाइस, क्लच बटाड़ी स्मूथ क्लच है, मतलब आप लोग एक फिंगर से भी कर पाओगे, इतना ज़्यादा स्मूथ क्लच इस वाले मॉडल पर प्रोवाइड किया है। गियर शिफ्टिंग भी गाइस मीडियम सॉफ्ट है, मतलब उतना ज़्यादा झार्क नहीं लेता है, हार्डनेस फील नहीं होता है। आप लोग देख पा रहे हो मैं अभी एकदम ही खराब सी रोड पर राइड कर रहा हूँ, एकदम भी कहीं जार्क फील नहीं आ रहा है, एकदम भी नहीं। मतलब फ्रंट सस्पेंशन लेके रियर सस्पेंशन दोनों ही गाइस सॉफ्ट है, लेकिन रियर सस्पेंशन को गाइस आप लोग आपके हिसाब से एडजस्ट भी कर पाओगे, उसमें गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं है। एंड विथ पिलियन राइड कर रहा हूँ, सीट लेंथ वाइज भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मतलब लेंथ भी बढ़िया है। एंड कुशनिंग की अगर बात करूँ सॉफ्ट है, अच्छा खासा सॉफ्ट है। एंड थोड़ी देर बाद गाइस ब्रेक टेस्ट करके भी देखेंगे। एंड बहुत लोग क्वेश्चन करते हो क्यों मैं 100 ml पेट्रोल पे माइलेज टेस्ट करता हूँ। देखो 100 ml पेट्रोल पे जो माइलेज आएगा 1 लीटर पेट्रोल पे गाइस आप लोगों को वही माइलेज देखने को मिलेगा। सो आप लोगों के लिए कैलकुलेट करना भी आसानी हो जाता है, मेरे लिए भी कैलकुलेट करना आसानी हो जाता है। एंड एकदम ही ब्रांड न्यू मशीन है, जस्ट लोड से निकला एंड मैं आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे 125 E20 मॉडल का माइलेज देखना चाहते हो आप लोग, सो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। सो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सो बहुत देर से लो स्पीड पर राइड होगा, सो अभी थोड़ा भगाते हैं बाइक को। Nice. 5000 RPM के बाद बाइक का साउंड और नेचर दोनों ही गाइस चेंज हो जाता है, थोड़ा एग्रेसिव साउंड प्रोवाइड करता है। अभी 60-62 स्पीड पे मैं राइड कर रहा हूँ एंड बाइक जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मतलब रोड को अच्छी तरह से ग्रिप करके भागता है। तो चलो इस ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं, 55 का स्पीड था। नाइस। सो फ्रंट पे डिस्क है, रियर पे ड्रम है एंड लेकिन इसमें CBS मिलते हैं, मतलब कॉमिटिक सिस्टम। अगर मैं रियर ब्रेक अप्लाई करता हूँ, ये देखो रियर ब्रेक मैं अप्लाई कर रहा हूँ नीचे से पैर से एंड इधर पे वार्ड खोड़ा है, मतलब यही है इस कॉमिटिक सिस्टम जो आप लोग स्कूटी पे देखने को मिलता था वो अभी इस पल्सर NS125 पे भी आप लोग प्रोवाइड करता है। अभी मैं सिग्नल पे रुका हुआ हूँ, सो मैंने बाइक को बंद नहीं किया। क्या साउंड है, नाइस मौसम साउंड है। एंड ब्रेकिंग पे भी मुझे गाइस अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, फ्रंट का डिस्क एंड रियर का ड्रम कंबाइन होके वर्क कर रहा है ना एक साथ में, इसके लिए गाइस आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा ब्रेकिंग से। सो रोड पे ना थोड़ा पावर पे भगाते हैं बाइक को,
फीड इकोनॉमी जोन पे भी राइड करेंगे एंड क्लच इतना ज्यादा लाइट है, गियर पे भी अटक नहीं रहा है ना, इसके लिए और ज्यादा मजा आ रहा है। एंड 120 सीसी के हिसाब से फ्यूल इंजेक्टर होने के बाद गाइस पावर में थोड़ा बदलाव आया, मतलब इंक्रीज हुआ है, एकदम ही लैग वगैरह फील नहीं आता है। लेकिन पहले वाला मॉडल भी इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर था, सो इसके लिए थोड़ा आप लोगों को पावर में लैग ड्रॉप मिलता था। सो एफआई से यही मजा है कि गाइस पावर रिस्पॉन्स मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड करता है। एंड अगर मिरर्स की बात करूँ इतना तक राइडर के हैंडल है, बाकी जो पूरा पीछे का व्यू भी प्रोवाइड करता है। एंड माइलेज ना गाइस बहुत सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टायर प्रेशर, चेन एडजस्टमेंट, एयर फिल्टर क्लीनिंग, कैसे रोड पर राइड कर रहे हो, हर एक चीज़ पर डिपेंड करता है। एंड राइडर कैसे राइड करता है, राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी माइलेज डिपेंड करता है। सो फर्स्ट सर्विस को पहले हर एक बाइक जो है माइलेज थोड़ा कम ही देता है, क्योंकि ब्रेक्स वगैरह व्हील्स वगैरह फ्री नहीं रहता ना, जाम रहता है, इसके लिए गाइस फर्स्ट सर्विस को पहले थोड़ा माइलेज कम आता है। तो देखते हैं कितना माइलेज देता है। हर एक कस्टमर के यही क्वेश्चन रहता है कि बाइक का प्राइस क्या है, एंड दूसरा क्वेश्चन होता है वो देता कितना है, मतलब माइलेज। सो इस बाइक में पहले तो गाइस इन कोलकाता 130,000 के आसपास ऑन रोड पड़ता था, लेकिन न्यू मॉडल पे गाइस थोड़ा प्राइस ड्रॉप हुआ है, 122,780 रुपीस ऐसा कुछ अभी प्राइस है। एंड देख पा रहे मैं हेवी ट्रैफिक वाले कंडीशन पे राइड कर रहा हूँ, इसके लिए 30 से 20, 25, 30 ऐसे स्पीड पे राइड कर रहा हूँ, कुछ देर पहले थोड़ा स्पीड पे भगाया था। एंड अगर ओवरटेक करना चाहते हो ऐसे थोड़ा घुमाओगे एंड ईजिली निकल जाओगे, इतना पावर है। एंड हैंडलिंग भी इतना ज़्यादा लाइट है ना गाइस, आप लोग इजीली फिल्टर कर पाओगे, ट्रैफिक बड़े कंडीशन पे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, मतलब फ्लिकेबल है लेकिन उसके हिसाब से रोड को ग्रिप करके भी भागता है। सो अगर आप डेली कमिट करना चाहते हो, थोड़ा स्पोर्टी डिज़ाइन, थोड़ा स्पोर्टी लुक एंड पल्सर का ब्रांडिंग पसंद करते हो, उन लोगों के लिए मॉडल जो है बेस्ट होने वाला है, क्योंकि NS 200 NS 160 जैसा देखते हैं, जैसे लुक से वैसे सेम टू सेम आप लोगों को 125 पर भी प्रोवाइड करते हैं, एकदम ही सेम टू सेम लुक। एंड बैकलाइट स्विच आप लोग देखने को मिलता है, जो नाइट के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, लाइट्स वगैरह देख पा रहे हो ब्लू कलर का जल रहा है। सॉरी मैं 50 के आसपास राइड कर रहा हूँ, मतलब 120 सीसी के हिसाब से अगर 50 मान लो इकोनॉमी जोन ही है। एग्जॉस्ट नोट चेक करो, ओहो क्या थोड़ा रिस्पॉन्स है, एकदम ही पावर में ड्रॉप लैग नहीं है। सो रोड पे थोड़ा खाली रहता है ना, इसके लिए मैं थोड़ा पावर अप करके राइड कर पाया बाइक को। सो आप लोगों को क्या लगता है ये बाइक कितना माइलेज दे पाएगा, कमेंट करके बताओ अभी वीडियो को पॉज करके, एंड वीडियो को लास्ट पे तो पता चल ही जाएगा कितना माइलेज देता है। सो बाइक जो है गाइस 5 किलोमीटर चल चुका है एंड अभी थोड़ा ना गाइस पावर में लैग आ रहा है, मतलब ड्रॉप कर रहा है पावर। सो रोड को साइड पे चल जाते हैं, पावर लैग कर रहा है थोड़ा थोड़ा, इधर बंद मत हो। बाइक जो लैग कर रहा है गाइस, पावर ड्रॉप कर रहा है। चल देखते हैं और कितना घंटा चल पाता है। सो फाइनली बाइक जो है गाइस बंद हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, बाइक जो स्टार्ट होता ही नहीं, गियर पे डाल लेते, न्यूट्रल कर लेते बाइक को, देख रहे हो टैंक जो है पूरा मैंने खाली कर दिया। इतना माइलेज गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ट्रिप वन देखो 5.5 किलोमीटर चला है, ओडोमीटर भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ओडोमीटर चला है कितना 6 किलोमीटर चला है, एंड ट्रिप वन जो है 5.5, मतलब 55 का गाइस माइलेज दिया है ये नया मॉडल बजाज पल्सर NS 120। अगर आप लोग बाय करते हो सो सिटी कंडीशन में राइड करोगे, मतलब डेली कम्यूट अगर करते हो, सो 55 का माइलेज देगा। फर्स्ट सर्विस के बाद गैस और भी थोड़ा माइलेज इंक्रीज हो सकता है, एंड मैं विथ पिजन राइड किया इसके लिए भी हो सकता है। सो यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल नया तो चैनल अभी जगह सब्सक्राइब कर दो, मैं सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। अगर और भी कुछ क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चलो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। सो बाय।